लेट मी टेल यू समथिंग, काफी सारे लोग हैं, अभी बिग बॉस चल रहा था, काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, भाई आप फुकरा भाई को सपोर्ट नहीं करते, आपने एलविश भाई को सपोर्ट करा, यू डोंट लाइक फुकरा इंसान। मैं भाई अब इनको कौन समझाए, मैं बताना चाहता हूँ कि फुकरा भाई ने अपनी बात भी करी थी बिग बॉस में, स्टोरी है ना स्टूडियो वाली। So, like he has been having this feeling that there are a lot of like bad vibes in his office, and he like wanted to change his office because he was like there shouldn't be any negativity in the house because of his office. So one day he comes back and he sees his PC was falling, like was on the ground, and everything was changed and different. आई थिंक वो मेरी थी बट वट एवर, तो ऐसे ही था, उन्होंने बिग बॉस में सुना रहे थे दूसरों को, तो मैंने सुना था कि अरे ये तो मेरी वाली स्टोरी है, he said कि like there's one friend, उसके साथ ये हुआ था, आई थिंक मेरी थी स्टोरी वो। चलो ठीक है, अगर मेरी भी नहीं है तो उस टाइम ना मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था भाई फुकरा भाई टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है ऐसा ऐसा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है तो उस टाइम मैंने मेंशन करा था। उसके बाद ना जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा था ना, मेरे लिए तो दोनों भाई है, फुकरा इंसान भी एलविश यादव भी, भाई दोनों सेम कम्युनिटी से है, ठीक है दोनों को सपोर्ट था, मैं तो चाहता था यूट्यूब इंडिया जीत जाए और वो ही जीत गया, तो मैं ऐसा किसी के साइड नहीं ले रहा था, मेरे को तो बल्कि मजा आता था इन दोनों को साथ में देख के। एंड में क्या हुआ, वोटिंग जब चल रही थी एंड में फिनाले के पास में, तो मेरे को डीएम आया, मैं एक्चुअली नहीं बताऊंगा किसका आया था, तो मेरे को डीएम आया था कि भाई एलविश भाई को सपोर्ट करना है, कि भाई आप भी यादव हो आप भी गुड़गांव से हो, मैं अच्छा भाई कर देते हैं, तो मैंने डाल दी स्टोरी। उसके बाद जो तहलका मचा है मेरे डीएम में, ओ भाई साहब, उसके बाद तो भाई भूकंप आ गया था कि भाई आप फुकरा भाई को सपोर्ट नहीं कर रही है वो, और ये बताइए स्टोरी डालने के ना थोड़े दिनों बाद देखा मैंने कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरी ऑडियंस समझ जाएगी, क्योंकि भाई मैंने फुकरा भाई की पहले डाली थी, उसके बाद मैंने एलविश भाई के लिए डाला था, तो लोगों को लग रहा है कि भाई मैं पता नहीं कुछ तो मेरी और फुकरा भाई की लड़ाई है, ठीक है लोगों को ये लगना शुरू हो गया आउट ऑफ नोवेयर कि मेरी और फुकरा भाई की लड़ाई है। भाई अच्छा जिनको ये चीज लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, फुकरा भाई से मैं मिला हुआ हूँ, बैठा हूँ आराम से, चिल भी करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निष्ठे भाई से भी मिला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, बस मेरे को उस टाइम रिक्वेस्ट करी थी किसी ने तो मैंने वो स्टोरी डाल दी। मेरे लिए दोनों बढ़िया थे भाई, मानता हूँ मैं भी गुड़गांव से हूँ, मैं भी यादव हूँ, मेरे को लेकिन दोनों बढ़िया लगते हैं, तो ये दोनों अपने सेम कम्युनिटी के, और मेरे को ये नहीं था कि इनमें से ये जीते ये जीते ये जीते, ठीक है मेरे को ये था कि भाई इन दोनों में से कोई जीते, बस एक्चुअली नहीं मैं चाहता था मनीषा जीते। तो ऐसा मतलब वही यार, तो काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी और फुकरा भाई की लड़ाई हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है।